हाँ भाई किंग साहब, सुनने को तो बड़ी बड़ी कहानियां पेड इन्फ्लुएंसर से, फला सोशल मीडिया के लोगों से कि किंग है किंग है। अरे घंटे का किंग है बाबर आजम। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ना वाहिद बैटर है जो टॉप बैटर है। वही यानी कि आपका स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है कि बाबर के लिहाज का भी आपके ऊपर कोई बैटर नहीं मौजूद है। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस, वो मैं सुन रहा था, वो बड़ी बात, बाबर विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है। विराट कोहली से 4000 से कुछ ज्यादा रन स्कोर कर दिए, यार शर्म आनी चाहिए। विराट के वो जो 4000 स्कोर है ना, वो उसके स्कोर में, उसमें जितने भी स्कोर है ना, उसमें 50-80% जो है ना वो मैच विनिंग स्कोर है, उसमें इंडिया जीता हुआ है। बाबर आजम की जो 4000 स्कोर है ना, उसमें पाकिस्तान के ना मेजोरिटी मैचेस जीता हुआ नहीं है, 10-20% होगा या ज्यादा 30% होगा, वो भी नल्ली टीमों के खिलाफ। बिग इवेंट्स, बिग मोमेंट्स में वो 4000 रन विराट कोहली ने जो बनाए ना, उसमें विराट कोहली ने विनिंग मोमेंट्स है, विनिंग मैचेस है, मैच विनिंग इनिंग के लिए। बाबर ने उसमें कहीं ऐसी इनिंग निकली, बाबर इंडिया के खिलाफ मुसलसल फ्लॉप हो रहा है। एक वो कारकर्दगी थी बस, वो हुई थी 150 प्लस वाली, उसके बाद बाबर मुसलसल फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप, इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप, इंडिया के खिलाफ फ्लॉप। तो बाबर किस बात का किंग, कौन सा किंग, कहां का किंग, नल्ला किंग। कप्तानी हो नहीं रही है, बैटिंग हो नहीं रही है, बेहतरीन मूवमेंट 120 रन। अगर बाबर अपनी एज अ बैटर स्कोर नहीं कर सकता था तो मैं बाबर कुछ भी नहीं कर सकता, फिर बाबर तो कुछ नहीं कर सकता। और यूएसए के खिलाफ फ्लॉप, ऐसी बैटिंग का क्या फायदा जो पाकिस्तान को मैच ना जिता सके, ऐसी इनिंग का क्या फायदा जो पाकिस्तान को मैच ना जिता सके। बाबर आजम ने पहले भी गलतियां की नहीं, सबसे ज्यादा डिफेंड बाबर आजम को मैंने किया था जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बाहर हुआ था ना, और उसके बाद उसको कप्तानी से हटाया गया था, तो मैंने आवाज उठाई थी और भी लोगों ने आवाज उठाई थी, यार बाबर नहीं, यार अभी बाबर को टाइम दो, बाबर को टाइम दो। बाबर साहब चले, जब शाहीन बन गया था तब भी बहुत लोगों ने बाबर के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी कि बाबर T20 नहीं खेलेगा, बाबर ही नहीं खेलेगा, बाबर डिजर्व करता था खेलना। लेकिन बाबर ने सबसे बड़ी गलती तब की, तब जब शाहीन को एक सीरीज के बाद हटाने की कोशिश की गई तो बाबर ने यह नहीं सोचा कि इस वक्त क्या मॉरल ग्राउंड है, क्या सिचुएशन है, क्या वो वापस आना उसके लिए बेटर है, क्या मुल्क के लिए बेटर होगा। अगर जो करता धरता ये डिसीजन ले रहे उनको बाबर ये समझा नहीं सकता था, अगर नहीं भी समझा था तो बाबर मना नहीं कर सकता था कि ये राइट डिसीजन नहीं है इस टाइम पे, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि सर पे सीरीज वर्ल्ड कप खड़ा है और जो कप्तान है उसको कप्तान रहने दो, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। बाबर ने नहीं सोचा, लोग कहते हैं ना बाबर बोर बड़ा, बाबर ने सेल्फिश एक्ट किया है, मानो या ना मानो, शाहीन से लाख आपको इख्तलाफ हो सकता है शाहीन के एक्शन से, शाहीन से भी, लेकिन बाबर ने उस टाइम पे बहुत सेल्फिश एक्ट किया था। क्लियर बात करता, नहीं यार एक भी तो एक ही सीरीज दी उसको, एक सीरीज एक महीने की थी उसकी, उसके बाद उसको कप्तानी से हटाना बनता नहीं था, उसको कम से कम भी ना वर्ल्ड कप देना चाहिए था शाहीन को एज अ कैप्टन। लेकिन बाबर ने अपनी अपना सोचा, अब सेल्फिश एक्ट थी वो, तो फिर जो जब देखिए याद रखिए, जब आप किसी के लिए घड़ा खोदते हो ना आप उस घड़े में गिरते हो। बाबर इनकार नहीं किया, जैसे उस वक्त शाहीन ने इनकार नहीं किया था, शाहीन ने गलती की उसके बाद शाहीन को झटका मिला, उसके बाद बाबर को मौका मिला, तो बाबर को वो इनकार करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि नहीं मैं एज अ बैटर खेलूंगा, शाहीन शुड बी अ कैप्टन टिल द T20 वर्ल्ड कप या बोर्ड जब तक चाहे। नहीं किया, कुछ नहीं किया और फिर टीम में ग्रुपिंग हो गई। मैं बहुत पहले से कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, राशिद लतीफ, वसीम अकरम, बहुत सारे वासिद अली, कौन नहीं बोला कि ये गलत मूव थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की के कप्तान बदल देना, वो भी T20 वर्ल्ड कप से सिर्फ 2-1.5 महीना पहले, ये एक्शन बहुत बुरा था। और उसके बाद आपके सामने है, आते ही साथ आयरलैंड साहब मैच आ रहे, फिर आयरलैंड से सीरीज जीते, उसके बाद इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हो गया, उसके बाद आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, और वो भी ऐसे पहली बार आप वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए। और इसका होल ताज जो है वो किंग ताज जो है ना बाबर आजम को ही जाएगा, जो अपने आप को किंग बना रहे हैं कि भाई साहब आप ही की कप्तानी में पाकिस्तान पहली बार एक नया रिकॉर्ड बनाया कि वर्ल्ड कप की में पहले राउंड से बाहर हो गया। तो ये किंग बाबर, आप अपनी अगर परफॉर्मेंस देखें, उड़ाए वर्ल्ड कप बहुत बुरे हालात, एशिया वर्ल्ड कप बहुत बुरे हालात, ठीक है ना, फिर आप इंडिया इंग्लैंड गए आप टेस्ट मैच खेलने, वहां पे एज अ बैटर खेला फिर भी बुरे हालात, उसके बाद आप आ जाए सिर्फ न्यूजीलैंड क्लास सीरीज आपकी अच्छी गई थी, इसमें 350 मारी थी, फिर आप आ जाए वर्ल्ड कप बहुत बुरे हालात, इंग्लैंड सीरीज बुरे हालात। तो बाबर आजम साहब परफॉर्मेंस आप फिर किस बात के कहेंगे, अगर ये लगाना ना कि बाबर, ये सोशल मीडिया पे ये उठा देना कि बाबर के विराट से इतने रन ज्यादा हो गए, बाबर ने ये रिकॉर्ड बना लिया, बाबर आजम तुम्हारे
तुम्हारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड से हम पाकिस्तानियों को कोई कख नहीं परवाह, हमें तो सिर्फ अपने मुल्क की परवाह है, अपनी क्रिकेट टीम की परवाह है कि यार हमारी टीम बस जीते, हमने तो जीत के लिए तरस गए। मैं कब से चल आ रहा हूँ यार, हम एशिया कप से हो गया, हम जीत के लिए तरस रहे। और अब तो इससे बदतर क्या बात थी कि मैं किसी के जहनो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान यूएसए से हार के टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हो जाएगा। बड़ी बड़े लोग बात कर रहे थे, प्रिडिक्शन हो रही थी कि यार पाकिस्तान ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं होगा, फोर्थ जो प्रिडिक्शन हो रही थी कि फोर्थ प्लेस टीम कौन सी होगी सेमीफाइनल में, उस पर भी मैंने कहा था कि यार बहुत हल्का ले रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, ऐसा नहीं है सुपर एट में पहुंच के फिर पाकिस्तान क्या क्या करके दिखाया गया ना सबको बचेगा। नहले पे दहला भाई, हमारी कप्तानी ने ऐसा जबरदस्त काम किया कि भाई साहब हम पहले ही टूर्नामेंट के में ही पहले राउंड से बाहर हो गए। ना फील्ड सेट करने आता है, ना प्लेयर्स की सिलेक्शन आती है, बाबर आजम करता ही क्या है। जब 15 रन चाहिए थे ना आखिरी ओवर में, इतनी गंदी फील्ड सेटअप की हुई थी और खासतौर पर आखिरी बॉल पे तो उससे बदतर सेटअप की हुई थी कि उसको प्लेयर को आगे लिया हुआ था, हालांकि वो अगर पीछे लेते तो वो ज्यादा 2 रन ही बनाता ना, चाहिए उसको कितने थे 5 रन चाहिए थे, मैच तो आप जीत जाते, लेकिन आप उससे बड़े नल्ले। फिर आपने बहुत बड़ी कहानी क्या कप्तानी की, सुपर ओवर में चले गए, सुपर ओवर में जाने के बाद आपने जब शाहीन को ओवर देना था तो आमिर को ओवर दिए बैठे, उसके बाद जिस स्ट्राइकिंग एंड पे खेलना था फखर जमान को स्ट्राइकिंग एंड में आपने इफ्तिखार को खेल दिया। भाई बस कर दो, कहीं के किंग नहीं हो। और आप लिख के लिख ले बड़ी खबरें हैं कि बड़ी बड़ी चेंजिंग होगी, बाबर आजम फिर अपना गेम खेलेगा। ये जो गेम है, ये दो माफिया बैठी ना, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जब तक ये दोनों रिप्लेस नहीं होंगे इस टीम में कुछ बेहतरी नहीं आएगी। देखिए मैंने बाबर आजम को बहुत डिफेंड किया, बाबर आजम एज अ बैटर खेले तो अच्छा है, बाबर आजम एज अ कैप्टन इस टीम के लिए एक बहुत खतरनाक चीज है। सेम गोज विद रिजवान, ये जो माफिया बैठ जाएगी ना कि हम ही ओपनर है, हम ही चीते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, नीचे जो लाते रहो वो लाते रहो, इतना सेंस नहीं था कि 5 से 6 ओपनर खिला दिया आपने T20 वर्ल्ड कप में। जब ओपनर खिला भी दिए थे तो खुद दोनों मिडल ऑर्डर में तो खेलते, ऊपर वालों को तो ऊपर बैटिंग करने देते, नहीं फखर जमान को लेकर आ रहे 4th नंबर पे। इससे बड़ी शर्मनाक बात होगी क्या, 4th कभी वो 5वें नंबर पे भी बैटिंग कर रहा है और बंदा आगे बोले क्या और आगे कहने को बचा ही क्या। जो बंदा वन डाउन या ओपनर खेलता है वो 5वें और 4th नंबर पे बैटिंग करेगा तो बैटिंग तो आपकी हिलेगी ना, फिर तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और ऊपर वाले तो महासुभान है, वो अपनी माफिया बना के बैठे। आप लिख के रख लीजिए, अभी जो बड़ी बात हो रही है सर्जरी होगी, फला होगी, 6 खिलाड़ी बाहर जाएंगे, बाबर आजम अपना गेम खेलेगा, बहुत बड़ा गेमर है। पहले मैं रिजवान को कहता था ना, अब रिजवान के बाद बाबर आजम भी बड़ा गेमर किंग यार होगा, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ है, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस कहाँ है बाबर आजम की, जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस है। मुझे अफसोस होता है कि पड़ोसी ममालिक के लोग उसको क्या क्या अल्फाज से बुलाते, क्यों, क्योंकि यार परफॉर्मेंस नहीं है ना, परफॉर्मेंस नहीं है। विराट कोहली अभी एकदम क्रिटिसिज्म में कि 3 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप लिख के रख लीजिए अभी सुपर हिट शुरू होता है, विराट कोहली आपको मुंह पर जवाब देगा उन क्रिटिसिज्म करने वालों को। विराट कोहली की तो आदत है कि जब वो गिरता है फिर वो प्रेशर में उठ के जो परफॉर्म करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कख नहीं कुछ हो रहा ना, हमारे बाबर आजम से तो स्कोर ही नहीं हो रहा, बैट से स्कोर ही नहीं हो रहा, एक ड्राइव शॉट का बना के, 4 ड्राइव शॉट का बना के बस बाय बाबर आजम का, वो क्या टिकटॉक पे शॉट टक शॉट टक शॉट बन रही है भाई, ड्राइव शॉट बन रही है, ये क्लिपें बन रही है, वो रील बन रही है, वो शॉट्स बन रहे हैं। माफ कर दो यार बाबर आजम, इस तरह की परफॉर्मेंस से ना पाकिस्तान नहीं जीतने वाला, तुम्हारे किंग का हम 4 डालें घंटे का किंग है, जब पाकिस्तान नहीं जीता तो हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फर्द वाहिद इंपॉर्टेंट नहीं है। तनकीद होगी, जरूर तनकीद होगी, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर तनकीद नहीं होगी बाबर आजम साहब, तो फिर आप याद रखिए ये जो फैंस हैं, ये जो हम जैसे फैंस हैं ना, ये क्रिकेटिंग फैन, फिर आपको भी इररेलेवेंट हो जाएंगे। हम जिस दिन हमने तनकीद बंद कर दी ना, फिर आप हॉकी की तरह जो है ना, हॉकी प्लेयर्स की तरह इररेलेवेंट हो जाएंगे, फिर आप करें या ना करें नो वन केयर्स। सो बेटर हम सिर्फ जो बात करते हैं ना, आप कौन बाबर आजम, आप कौन फला प्लेयर, हमें कंक नहीं पड़ता, हमें फर्क से पड़ता है कि जिस छाती की टी शर्ट आप पहने हुए, जिस छाती पर जिस निशान है उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान हमारी शान, हमारी जान, हमारा मुल्क है, हमारी इज्जत है और हमारी टीम है, और हमारी टीम अगर जीतेगी नहीं तो हमें दुख होता है। आप आए ग्राउंड रियलिटी में, पब्लिक को शदीद गुस्सा मिलेगा आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। इस बार तो लोगों ने दुआ तक नहीं की, लोगों ने कहा नहीं यार
चाहिए नहीं, और कुदरत के निजाम ने तो और मदद कर दी कि भैया ना बारिश आई है इस बार ना, सीधा घर की टिकट कटाओ, पहुंच जाओ पाकिस्तान वापस। ये है हमारा हाल। बाबर आजम के पास अभी भी वक्त है, सही डिसीजन ले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पे रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।